तेहवा से यश बाबू के लिए खबर। राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि पानी निकासी एवं जलभराव की समस्या से कस्बे को निजात दिलाने के लिए नगर पालिका ने प्लान तैयार किया है। इस प्लान को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखकर पानी निकासी की समस्या से सभी वार्डों को निजात दिलाई जाएगी। राज्य मंत्री संदीप सिंह वार्ड नंबर 13 दीवान कॉलोनी में लगभग 85 लाख रुपए की लागत से डाले जाने वाले सीवरेज कार्य की शुरुआत करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि दीवान कॉलोनी में पूरी एक साइड की सीवरेज डाली जाएगी। वार्ड पार्षद महंत दीपक प्रकाश ने बताया कि पिछले दिनों पानी निकासी की समस्या को राज्य मंत्री संदीप सिंह के समक्ष रखा गया था, जिस पर उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश देते हुए लगभग 85 लाख रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर करवाया है। नगर पालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी ने बताया कि नगर पालिका ने सभी वार्डों का सर्वे करवाकर रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि किस वार्ड में कितने फीट पानी खड़ा होता है और कितनी देर तक उसकी निकासी होती है। ये तकरीबन 85 लाख का सीवरेज का प्रोजेक्ट है तेहवा के अंदर, और काफी समय से हम लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने ये हमें प्रोजेक्ट दिया। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पूरे वार्ड को कंप्लीट करेगा, और मैं शहरवासियों को अपील भी करूंगा कि इस दौरान कुछ काम करते रहे, कुछ भी खेत हो तो उसको थोड़े दिन के लिए और सहन करें, जिससे कि हम फ्यूचर जो हमारा हो सके। यश बाबू न्यूज़, खबरें सुपरफास्ट।